प्यारे छात्रों नमस्कार। आज आप लोगों को यूनिट 6 क्लास 10th मैथ पढ़ाया जाएगा। त्रिभुज यूनिट 6 का नाम है त्रिभुज, यानी त्रिभुज से संबंधित सभी प्रकार के समरूप दिखाने वाले सवालों को हल करना है। तो इससे पहले जो है हम त्रिभुज की पहचान कैसे करते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा कहें तो क्या लिखेंगे, वह त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं समान हों वे समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और यदि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, कोई भी दो भुजा समान हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का वह कोण जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई ना कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण यानी 90 अंश। और न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 अंश से कम होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई न कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से अधिक हो, और शेष दो कोण न्यून कोण हो, तो वह त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब बात करते हैं समरूप की। तो समरूप क्या चीज़ है, वे आकृतियाँ जिनके रूप एक जैसे हों परंतु अंग समान हो या ना हो, इसकी कोई ज़रूरत ना हो, ऐसी आकृति समरूप कहलाती हैं। बात समझ रहे हैं, जैसे मान लो एक पेड़ है, इस आकृति का एक छोटा पेड़ है, इसी तरह का है तो सेम, इस वजह से समरूप कहलाएंगे। अब ये लंबाई में भले ही छोटा है लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं। इसी तरह स्टार मान लो ये और एक ये, तो ये दोनों समरूप हैं। क्यों, क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं, इनके रूप एक जैसे हैं। इसी प्रकार मान लो सेब की आकृति है, ये सेब है और एक दूसरा सेब है छोटा सा है, तो ये दोनों समरूप हैं। तो भुजाएं इनके बराबर हों चाहे ना हों, अंग बराबर हों चाहे ना हों, लेकिन रूप इनके एक जैसे होने चाहिए, तो समरूप कहलाते हैं। तो इससे एग्जांपल लिया गया, सबसे छोटे बड़े वृत्त, तो वृत्त जैसे मान लो एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा है और छोटा है, तो सभी एक जैसे मतलब दिख रहे हैं, भले इनके अंग समान नहीं हैं लेकिन इनके रूप एक जैसे, इस वजह से इनको हम समरूप की कैटेगरी में रख देंगे। इसी तरह वर्ग होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, मनुष्य भी छोटा लम बड़ा होता है। तो अब जैसे मान लो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो उसके सब भुजाएं बराबर तो समबाहु त्रिभुज, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी हो सब समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और वर्ग चाहे बड़ा ले लो चाहे छोटा ले लो और छोटा ले लो, ये सभी जो है समरूप होंगे। सर्वांगसम वे आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों, इसमें अंग समान होने चाहिए, यानी बिल्कुल लंबाई चौड़ाई में सब बराबर हों, तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे हमारे दो त्रिभुज हैं, उनको हमको सर्वांगसम दिखाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, त्रिभुज के जो त्रिभुज दिए रहते हैं उनकी कोई ना कोई दो तीन बातें हमको बराबर दिखानी होती हैं। ये तीन बातें उनके मतलब भुजा चाहे दिखा दीजिए, चाहे कोण दिखा दीजिए, चाहे भुजा कोण भुजा दिखा दीजिए, चाहे कोण दिखा दीजिए या RHS से दिखा दीजिए,
तो ऐसे कंडीशन में वे दोनों त्रिभुज या उससे अधिक वाले त्रिभुज जो भी होंगे वे सब सर्वांगसम में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, इन्हें आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर देखिए, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे पहला नंबर है सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम समरूप समरूप होते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप सर्वांगसम, तो जाहिर सी बात है सभी वर्ग की बात कर रहा, छोटे बड़े सब होंगे तो समरूप होते हैं, तो इसमें भी हमको समरूप भर देना है। तीसरा नंबर है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये आपको भरना है, इसको समझ लीजिए। मान लो ये त्रिभुज है, एक ये और एक ये, ए बी सी और पी क्यू आर, यदि इनकी जो है दो कोण बराबर हो जाए, ये दोनों कोण बराबर हैं तो समरूप बोल देंगे, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और यदि इनके भुजाओं की जो लंबाइयां हैं ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, यानी इनके संगत भुजाओं के अनुपात यदि बराबर हैं तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और यदि कोण बराबर हैं, जैसे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो ये इसमें भी समरूप की का मतलब शर्त पूरी हो रही है और इसमें भी समरूप की शर्त पूरी हो रही है। तो यदि दो आकृतियां हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, या जो दो त्रिभुज हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो भी वे दोनों समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो यही बात कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां, तो कौन कौन से एग्जाम्पल देंगे हम, एक तो वर्ग हो गया और एक वृत्त हो गया, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो इसके लिए एक तो जो है त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज मतलब कई प्रकार के होते हैं ना, तो त्रिभुज जो है समरूप नहीं हो सकते। और चतुर्भुज ले लीजिए, चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, मान लो एक आयत है और एक वर्ग है तो दोनों कहाँ समरूप होंगे। तीसरा नंबर है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, तो देख रहे हैं पी क्यू क्यू आर एस आर और एस पी सबकी समान भुजाएं हैं, इसमें भी सब समान भुजाएं हैं, तो इसमें कोण 90 डिग्री के, इसमें कोण अलग अलग हैं, तो ये इसमें लिख देना है ये दोनों त्रिभुजों के कोण समान नहीं है अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे।